जो कंसेप्ट है एनकाउंटर का वह यह है कि एक आकस्मिक घटना होगी, कोई अपराधी कहीं जा रहा है, पुलिस वाले कहीं से जा रहे हैं, एक चांस एनकाउंटर हो गया, दोनों में भिड़ंत हो गई, और जाहिर सी बात है कि अगर अपराधी ने हमला कर दिया तो पुलिस को राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस उतना है जितना कि किसी भी नागरिक को है। तो उसने उस पर मान लीजिए कि कोई राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस का यूज किया, पता लगा कि कुछ थोड़ी बहुत कोई घायल हो गया वो अपराधी, कभी उसकी मृत्यु हो गई, तो यह एक एनकाउंटर हो गया, एक इत्तेफाक जिसको कहते हैं, जो जो इत्तेफाक है ये उसका बुनियादी कंसेप्ट है। इत्तेफाक के दौरान आत्मरक्षार्थ गोली चली, यह उसका लीगल कंसेप्ट है। अब यह हो रहा है और पहले भी हो रहा था, जब मैं नौकरी में आया था 1990 के आसपास, उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में एनकाउंटर शब्द जो है इसका बड़ा जोर था, विशेष करके पश्चिमी यूपी में ये बात चलती थी। और यह था कि यह भी था कि पैसे लेके एनकाउंटर होने की भी चर्चाएं थीं, या गैंग राइवलरी में गैंग से मिलके एनकाउंटर की चर्चा थी। अब पुनः वह कंसेप्ट, कुछ दिन उसके बाद कुछ लोगों को सजा हुई, गुजरात में तमाम लोग जेल गए, 7-8 IPS अफसर जेल गए, यह अफसर डरने लगे इससे। पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश ने एक प्रकार से इसमें लीड लिया है, जो मौजूदा मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम जो है खुल के, जिसको कहा उन्होंने शब्द एक तरह से खुल के एनकाउंटर करेंगे, और एक प्रकार से जो जेम्स बॉन्ड की शायद फिल्म थी लाइसेंस टू किल, तो उन्होंने लाइसेंस टू किल दे दिया कि अब नाउ यू हैव अ लाइसेंस टू किल। इस लाइसेंस टू किल का यह रूप माना गया कि अब हम प्लान्ड एनकाउंटर्स करेंगे। उसमें आधों में तो जैसे अब एक दो शब्द आ गए हैं, एक हाफ एनकाउंटर, एक फुल एनकाउंटर। जैसे कि हम लोग अंडे में हाफ फ्राई और फुल फ्राई के खाते हैं, तो अब उस तरह से पुलिस वाले हाफ एनकाउंटर खाते हैं या फुल एनकाउंटर खाते हैं। हाफ एनकाउंटर ये कह रहे हैं जिसमें पाँव में गोली मारेंगे, जहाँ छाती में मारेंगे वो फुल एनकाउंटर है, पाँव में मारेंगे हाफ एनकाउंटर है। तो डंके की चोट पे एनकाउंटर, अब ये तो एनकाउंटर ईश्वर जाने इन मामलों में, तो जो मानवाधिकार आयोग हैं उनको निर्णय स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को। स्थितियां विकराल हो रही हैं, विकराल हमारी समझ में इसीलिए हो रही हैं कि अब वो कहते हैं कि ड्रेडेड क्रिमिनल था, यह देखिए वह देखिए। आखिर इन्हीं स्थितियों के लिए हमारे यहाँ एक लीगल प्रोसेस बना जिसमें हुआ कि एक कोई व्यक्ति अगर ड्रेडेड है, तो हमारे यहाँ तो कई देशों में मृत्युदंड जो है वो बैन है, हमारे देश में तो मृत्युदंड भी दे रखा है, उसको लेकर डिबेट होते हैं, वो आज भी मृत्युदंड है, आप उसको मृत्युदंड दीजिए, आपने दे रखा है, आपने जो जो पाकिस्तान वाला पकड़ा गया था मृत्युदंड दिया, आप न्याय किया, आपने प्रक्रिया का पालन किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सारी प्रक्रियाओं का पालन हुआ। लेकिन बगैर प्रक्रिया का पालन करके आप कह रहे हैं कि CCTV में दिख रहा था वो गोली चला रहा था, अरे कल को यह असंभव नहीं है कि कल को पता लगा कि CCTV ही फ्रॉड था। अभी इट क्या, वो तो है नहीं कि वो वेरीफाई हो गया है लीगली किसी लॉ कोर्ट में, कौन आदमी था वो वही था जिसका चेहरा दिख रहा है। इट कैन बी एनीथिंग, कोई प्लांट कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसी के लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। जो भी पसंद रहे स्टेट को, जो पसंद नहीं आएगा वो उसको आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बना देंगे, आप उस पर 1,00,000 रुपए इनाम कर देंगे। तो जो खतरे हैं इसके वह भयावह हैं। एक्चुअली हमने जो सवाल उठाए हैं, तो हमने सारे के सारे सवाल उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स पर लगाए हैं। इसमें STF ने कुछ फोटोग्राफ्स रिलीज किए या लीक किए, मैं कहूँगा डिलिबरेट लीक था, मौके पे जिस समय कथित एनकाउंटर हो रहा था उस समय कोई और नहीं था, ये फोटोग्राफ्स उन्होंने उनके लोगों ने खींचा, अपनी सुविधा के लिए खींचा, और जैसे कह सकते हैं कि वो उन्होंने इसलिए खींचा कि पब्लिक डोमेन में हमारा यह जो ब्रेवरी है वो जाए। तो उस प्रोसेस में जो फोटोग्राफ्स खींचे, और बाद में एक FIR करवाया उनके एक डिप्टी SP ने, नवेंदु कुमार ने, तो उस डिप्टी FIR में फैक्ट्स कुछ लिखे हैं, कुछ उसके फोटोग्राफ्स कह रहे हैं, इनमें खुद कई भारी विरोध हैं। वह हमारी समझ में जो मुख्य पॉइंट्स हम लोगों ने कहे हैं उनमें एक पॉइंट है, उदाहरण के लिए कि जो एक फोटोग्राफ में जो ये असद है उसका उनकी जो डेड बॉडी है उसकी डेड बॉडी दिख रही है मोटरसाइकिल के नीचे, मोटरसाइकिल का हैंडल उसके ऊपर यहाँ पर है,
डेड बॉडी के लगभग इस छाती के आसपास। जाहिर से की बात है कि कोई आदमी अगर मरेगा तो वह उस जगह नहीं गिरेगा, मोटरसाइकिल के ऊपर गिर सकता है लेकिन वह हैंडल के नीचे जाके उस तरह से नहीं गिर सकता है, और वो भी जिस तरह से दिख रहा है वो संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि FIR कह रहा है कि 12:55 पे तक वो व्यक्ति दोनों जिंदा थे जब ये लोग पास गए और इन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया, तो जब जिंदा थे और फोटोग्राफ में जो दो बॉडीज दिख रही हैं वो डेड बॉडीज दिख रही हैं, जिंदा आदमी और मरे हुए आदमी के फोटोग्राफ्स उनके जनरल डिमिनर एक्टिविटीज में साफ अंतर दिख जाता है। उनका चेहरा बिल्कुल निस्तेज और शांत है जो लग रहा है कि उनकी मौत हो चुकी है। तीसरा पॉइंट है वह कह रहे हैं कि उन्होंने आड़ लेके फायरिंग की, जबकि वह जो मौके का स्थान है वही ठीक बगल में सड़क है जिस पर कथित रूप से पहले वो चल रहे थे, फिसल के नीचे गिरे, मुश्किल से 3-4 फीट का दूरी है, हाइट पे पुलिस वाले हैं, जमीन पे नीचे जो है वो बदमाश हैं, तो जो एडवांटेज है वो पुलिस वालों को है 4-5 फीट का, बदमाश उन पर फायरिंग करने के लिए कोई आड़ नहीं पा रहे हैं, पुलिस का सीधे सीधे राइफल उनको जरूर निशाने पर ले रहा है। ऐसे में यह दावा करना कि ये आड़ से फायरिंग कर रहे हैं किसी भी प्रकार से सही नहीं है। तो इस प्रकार के, उसके अलावा जैसे उसके टायर का जो पोजीशन है, मौके के निशानात हैं या ब्लड गिरने की पोजीशन है, ये सारी बातें ऐसी हैं जो उनके FIR को झूठलाती हैं। देखिए एक स्थिति जरूर, वो जो थोड़ी कष्टप्रद स्थिति है और वह मुझे लगता है कि या तो पब्लिक अवेयरनेस की बात है या हमारा सिस्टम पे फेथ कम हो चुका है पब्लिक का इन मास कि एनकाउंटर्स जो कथित एनकाउंटर्स होते हैं और जिसमें लोग यह जानते हैं कि यह स्टेज्ड मर्डर है उसको भी अप्रिशिएट कर दिया जाता है और कई बार जैसे उसके लिए हिस्टोरी के ये बना दिया जाता है, जैसे भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, इस तरह की बातें शुरू कर दी जाती हैं, तो भाई क्या वो तो जो है वो तो अगर वो हुआ तो एनकाउंटर भी जायज है कुछ इस तरह से। तो ये सोशल जो एक तरह से एक्सेप्टेबिलिटी है, उस एक्सेप्टेबिलिटी का पॉलिटिकल लोग फायदा उठाते हैं। हम लीगल प्रोप्राइटी और एथिकल करेक्टनेस की बात कर रहे हैं पॉपुलैरिटी के इशू पर। हो सकता है वो सही हो, उनको लग रहा है, वो भी पॉलिटिकली सभी लोग हैं वो लोग, लेकिन मात्र पॉलिटिक्स के आधार पे आप एक्टिविटीज़ कीजिए, कानून को छोड़ दीजिए, एथिकल प्रॉपर्टी को छोड़ दीजिए, तो वो डेंजरस है। अगर पॉलिटिकल बॉस ऊपर से कहता है मार डालो, ठोक डालो, जो कुछ भी शब्द हैं, और उससे आपको फिर आपके प्रमोशंस, आपके पोस्टिंग्स लिंक हो जाते हैं, प्रमोशंस पोस्टिंग्स पैसे से लिंक हो जाता है, पावर से लिंक हो जाता है, यानी एक नेक्सस बन जाता है आपके वेस्टेड इंटरेस्ट का। आप एज सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डिप्टी SP, IPS मोटिवेटेड हो रहे हैं फॉर शॉर्ट, आपका वास्तव में बहुत सारे अफसर होंगे उनका इनमें से किसी क्रिमिनल से कोई पर्सनल नहीं नुकसान होता होगा, लेकिन वह उनके लिए एक टूल मात्र हो गया, टूल फॉर प्रमोशन, टूल फॉर पोस्टिंग। और देखिए कई बार बच भी जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं, आप कह रहे हैं कई बार फंस रहे हैं, कई बार बच भी जा रहे हैं, और उस और आपको लग रहा है कि हमको सारे गेंस मिल रहे हैं, तो यह सारा कुछ जो है एक विशेष सर्किल बन रहा है जिससे सोसाइटी जिसके कारण एट लॉस है। अगर वास्तव में हमें बेटर सोसाइटी कराना है, लॉ पर बेस्ड सोसाइटी कराना है, तो हमको जेन्युइनली लॉ का पालन करना होगा, इस शॉर्ट सर्किट को ख़त्म करना होगा। अगर कोई चांस किसी से भिड़ंत हो जाती है पुलिस की और पुलिस पे फायरिंग होती है, तो पुलिस को राइट है टू सेल्फ डिफेंस, या IPC में प्रावधान है, यही एनकाउंटर का बुनियादी कंसेप्ट है। अब हो गया है कि एनकाउंटर का मतलब है कि हम चीज़ों को फ्रेम करेंगे, मैनेज करेंगे, स्टेज करेंगे, हम पहले किसी को पकड़ लाएंगे, फिर उसको कहीं रखेंगे, फिर प्लेस खोजेंगे, फिर हम टीम खोजेंगे कौन कौन उसमें करेगा, और उसको समहाउ जैसे स्टेट उसको एक लेजिटिमेसी कोई कागज़ पे नहीं, कागज़ पे फंसेगा, हमेशा याद रखा जाए, कागज़ पे फंसेगा तो स्टेज तो स्टेट गवर्नमेंट या उसके जो जो मुख्यमंत्री हैं या जो भी होंगे
जैसा कि गुजरात में हुआ, तो वहाँ पर तमाम जो मिनिस्टर्स वगैरह थे उन्होंने हाथ झाड़ दिया एनकाउंटर से, जिस समय वो बंजारा साहब और तमाम लोग को जेल भेजा गया, तो कहा कि भाई हमसे क्या मतलब, पुलिस वालों का काम है। लेकिन यह बकअप जो है जुबानी है, वह हमेशा कहेंगे कि हमने तो हमेशा कहा कि एनकाउंटर का मतलब ही होता चाहे वह वह जो है जैसे चित भी मेरी पट भी मेरी वाली पोजीशन है, वह रिकॉर्ड पे कागज पे कहेंगे कि हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं कि वह अगर वह मान लीजिए आप फायरिंग करें तो आप फायरिंग कीजिए और उनको काबू कीजिए, यानी उसका जो लीगल मीनिंग है वहाँ आ जाएंगे। यह वह कागज पे ओरली और पॉलिटिकली वो स्टेटमेंट देंगे कि हम इस प्रकार के एनकाउंटर को खुला संरक्षण देते हैं। तो यह डाइकोटॉमी जो है इसमें सारा का सारा एडवांटेज पॉलिटिकल मास्टर्स को है, कल को और आज भी जो झेलना है, रिस्क तुम्हारा है गेन हमारा है। मैं इसको इसके लिए यह नहीं कहूँगा कि इसके लिए मौजूदा गवर्नमेंट अकेली दोषी है। मैंने शुरू से देखा है कि दो बातें, पहली बात कि आई एम मोर देन कन्विंस्ड कि पुलिस इज नथिंग मोर देन अ टूल फॉर द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, इसमें कोई संदेह मुझे नहीं है। नंबर टू, जो क्राइम कंट्रोल के नाम पे जो भी कार्रवाई जिस भी गवर्नमेंट ने किया वो 100% उनके पॉलिटिकल जो भी डायमेंशंस थे या इक्वेशंस थे उन पे बेस्ड थे, और वही आज भी परकोलेट कर रहा है। और वह चीज़ दुर्भाग्यपूर्ण है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में जो मैंने देखा, मेरा यही का अनुभव है कि वह निश्चित रूप से कास्ट और रिलीजन उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा, क्योंकि पिछले 30 साल से कम से कम जो मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसी पार्टी नहीं आई है जिसने अपने आप को सभी वर्ग का रिप्रेजेंटेटिव घोषित रूप से कहा हो। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमेशा क्लियर इंडिकेशंस दिए कि उनके फेवरेट कास्ट या रिलीजन कौन से हैं, जिसको उन्होंने वोट बैंक के रूप में कहा। उस वोट बैंक का सीधा सीधी जो है क्लियर इंडिकेशन पुलिस के एक्शंस में निरंतर दिखा, पैटर्नेज के रूप में भी और सप्रेशन के रूप में भी। हाँ, पिछले इस गवर्नमेंट से पहले वह एनकाउंटर के फॉर्म में नहीं था, वह आपको जैसे मान लीजिए पता लगा गुंडा एक्ट लगाना है, गैंगस्टर लगाना है, अन्य प्रिवेंटिव एक्शन लगाना है, लेकिन वहाँ भी यह नहीं था कि ये चीज़ अछूता था। पुलिस जिसको भी छूती थी तो पहले इस बात पे एक बार सोचती थी कि इसके पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस विसाविस उसके कास्ट और रिलीजन क्या होगा, आज भी सोचती है। हो यह रहा है कि कुछ सारे पुलिस अफसर जो अनस्क्रूपलस हैं उनके चक्कर में बाकी दो चार लोग तो जैसे मान लीजिए वो तो गेन पाते हैं, बाकी बेचारे जैसे अब जैसे मान लीजिए पूरी टीम होती है, बाकी लोग केवल नुकसान पाते हैं, वो उनको रगड़ा पाना, जेल जाना, वो कुछ गेन नहीं पाते हैं, सिर्फ उसमें नाम लिख गया उनका, नौकरी है तो टीम में नाम लिखवाना है, नाम लिख गया, कल को अगर कुछ पलटी हुआ तो भाई जो बड़े पोस्ट पर है वो तो उन्होंने तो कुछ मलाई खाया कुछ खाया, इन्होंने कुछ नहीं पाया और जलालत झेलने को ये तैयार रहे। यह इसका एक बड़ा ही माने पुलिस के प्रति भी एक बड़ा ही मानवीय पहलू है कि यह कुछ अनस्क्रूपुलस ऑफिसर्स कुछ पॉलिटिकल लोगों के साथ मिलकर ये पूरा रायता फैलाते रहते हैं। सबसे पहले तो अगर हम कोई क्लेम करते हैं तो हमें एविडेंस पर बहुत ध्यान देना होगा। अगर पुलिस ने एक क्लेम किया कि यह आदमी अपराधी था, इसने फायरिंग की, हमने काउंटर फायरिंग की, इसको जो है इसको गोली लगी और मर गया, तो प्राइमा फेसाई एज पर लॉ पुलिस की बात तब तक सही मानी जाएगी जब तक हम उसको विथ फैक्ट्स एविडेंसेस उसको काउंटर न कर पाए। तो जो लोग लड़ना चाहते हैं तो उनको एविडेंसेस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और एविडेंसेस वह हों जो इंडिपेंडेंट हों, साइंटिफिक हों, और वह डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रहेगी तो मेरा मानना है कि डेफिनेटली NHRC हो या कोर्ट हो, वह भी फोर्स्ड होंगे हमारी या किसी कंप्लेनेंट की बात सुनने को। हमने NHRC को शिकायत दी है, हम उसके लिए वेट करेंगे, आवश्यकता होगी तो हम इसमें डेफिनेटली हम लोग झांसी जा रहे हैं, झांसी में हम और फैक्ट गैदर करने की कोशिश करेंगे, और एज पर कंडीशन
हम उसको परसू करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं देयर मस्ट, और हमारा, देखिए मैं बहुत साफ कह दूं, फॉर अस द नेम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वेदर ही वाज असद और अशरफ और एनी वन, लेट अस से, है ना, हमारे लिए रेलेवेंट ये है कि देयर मस्ट बी अ डिफरेंस बिटवीन द लीगल वे एंड द नॉन लीगल वे, बस हमारा बहुत सिंपल सा ही कहना है। आप उसको, और इसका हम लोग पर्सनली इसको किसी पॉलिटिकल मोटिव से भी नहीं समझते हैं कि हम इसके, इससे हम इसको अपीज कर पाएंगे, उसको अपीज कर पाएंगे, कल को कोई भी अगर ऐसा लगेगा, वी बिलीव इन द रूल ऑफ लॉ इन द ट्रू सेंस, जो लगेगा हम उसको फॉलो करेंगे, एंड दिस इज वन केस जहां हमको एलिमेंट्री लेवल पर कुछ फैक्ट्स मिल रहे हैं, हम लोग उसको सीरियसली परसू करना चाहते हैं।